असामाजिक तत्वों के द्वारा छिंदवाड़ा विधायक और सांसद के लगाए गए पोस्टर के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। बिजली विभाग ने कहा एवरेज बिल से ना हो परेशान, अगले महीने रीडिंग में हो जाएगा एडजस्टमेंट। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन तो नाराज हुए एसडीएम। दुकान खोलने के संबंध में व्यापारियों को बैठक में कलेक्टर ने दी समझाइश, कहा सुझाव लेकर खुलेंगी दुकानें। और लॉकडाउन के असर से बंद हुआ एक निजी स्कूल, सभी 167 विद्यार्थियों की काटी टीसी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असामाजिक तत्वों द्वारा शहर के मुख्य सड़कों पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के विरुद्ध पोस्टर लगाने पर जिला कांग्रेस द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन को शिकायत पत्र प्रेषित कर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि दोनों नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलित और आहत महसूस कर रहा है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। निश्चित रूप से ये रात्रि के समय ये काम हुआ है और इसमें निश्चित रूप से विपक्षी दल का हाथ है। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है। और इससे जहां एक और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए और आम जनता भी वही मानसिकता में है कि इससे निपटा जाए, ऐसी स्थिति में प्रशासन का ध्यान बटाने की कोशिश करना, सांसद और विधायक महोदय को बदनाम करना, हर कोई जानता है लॉकडाउन में आज भोपाल रेड जोन में है, वहाँ से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं, कैसे कोई नेता यहाँ आ सकता है। मैं तो कहता हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपने क्षेत्र बनारस में गए हैं, आप पता लगा दो, आप शिवराज सिंह जी से पूछ लीजिए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिले के सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और दुकानें खोलने के संबंध में सुझाव लिए। व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव रखे। कलेक्टर ने कहा कि सभी के सुझावों के व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए दुकानों को खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाने पीने के सामान विक्रेता अपनी दुकान में काम करने वाले श्रमिकों का कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर निर्णय लेकर दुकान खोलने के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे, लेकिन रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। और सभी व्यापारियों ने ये कहा, चूंकि दो महीने से करीब करीब व्यवसाय बंद है, हम सरकारी आदेश का पालन करते हुए कोरोना महामारी का बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए 11-6 और कम से कम हफ्ते में 6 दिन दुकान खोलने के लिए हम लोगों को परमिशन दी जाए। ऑटो और कुछ जैसे माल वाहक माल जाने आने के लिए भी तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी आपको परमिशन दें। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का जुन्नारदेव में प्रथम आगमन हुआ। विकासखंड मुख्यालय स्थानीय एकलव्य विद्यालय सहित अन्य क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर उन्होंने यहां की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इसके बाद जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने वेकोली के कन्हान क्षेत्र के द्वारा स्थानीय वेलफेयर अस्पताल में निर्मित किए गए आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। सर, दूसरी को दिक्कत ये आ रही है कि आज लगभग 56 दिन हमारे लॉकडाउन के 4 फेज का शुरू हो रहा है, तो अब इन परिस्थितियों में जो पेशेवर लोग जैसे कि आपका टेलर है, जैसे आपका फोटोग्राफर है, जैसे कि ऐसे जो उद्योग पेशे से हमने कमाई करते हैं, और ये इनका गरीबी रेखा में कार्ड नहीं होता, ये मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। सर, इनके लिए अब एक जरूरी केस शिल्पी हैं ये सब लोगों के लिए, कुछ एक पैकेज या ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन स्थानीय स्तर पर, उनके घर में खाद्यान्न किट पहुँचाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का प्रभाव अब संस्थानों में दिखने लगा है। करीब 6-7 सालों से चल रहे एक निजी स्कूल में लॉकडाउन के कारण ताला लग गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 21 के गीतांजलि कॉलोनी में चल रहे सैमफोर्ड जलाराम पब्लिक स्कूल को फंड की समस्या के कारण बंद किया जा रहा है। स्कूल को बंद करने के लिए प्रबंधन ने सभी पढ़ने वाले 167 छात्र छात्राओं को टीसी भी दे दी है। हालांकि प्रबंधन ने अभी जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सूचित नहीं किया, लेकिन टीसी मिलने के बाद शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। वे जिला शिक्षा अधिकारी से अन्य स्कूल में प्रवेश दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। जलाराम पब्लिक स्कूल हमारे वार्ड में स्थित है और वो बंद हो गया है। सबको पालकों को टीसी दे दी गई है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पर जो गरीब तबके के निम्न तबके के बच्चे भी पढ़ते थे, लगभग वहाँ पर 30-35 बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य अंधकारमय हो गए हैं। कुल कितने बच्चे रहे होंगे? वहाँ पर लगभग 250 बच्चे करीब रहे होंगे। सबको टीसी प्रदान कर दी गई है।
अब दिक्कतें हो रही है उनको, आजकल ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनका एडमिशन कहाँ होगा, और चूंकि निःशुल्क एडमिशन हुआ था इसलिए निम्न तबके के बच्चे, हमाल मजदूर के तबके के बच्चे, उनको दिक्कतें जा रही है। इस महीने आ रहे एवरेज बिलिंग के कारण जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते कई संस्थानों द्वारा विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। दरअसल माह अप्रैल में ना तो मीटरों की रीडिंग हुई और ना ही लोगों ने स्मार्ट बिजली ऐप का उपयोग करके रीडिंग खुद भेजी, जिसके चलते पिछले साल के अप्रैल माह के आधार पर बिल भेज दिया गया। छिंदवाड़ा अधीक्षण यंत्री शरद श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक बिल आने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब रीडिंग होगी तो बिल में आई राशि अगले माह घट कर आएगी। पिछले वर्ष में उपयोग की गई बिजली के यूनिट के आधार पर एवरेज बिलिंग पूरे मध्य प्रदेश में की गई है, जिसमें हो सकता है कि कुछ उपभोक्ताओं के बिजली के बिल अधिक आ गए हैं। ऐसे उपभोक्ता संबंधित वितरण केंद्र में या जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसमें मोबाइल नंबर से अपने मीटर की फोटो खींचकर और बिल की फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर या संबंधित वितरण केंद्र में जाकर सुधरवा सकते हैं, या जिनके बिल ज्यादा आ गए हैं अगर वो बिल जमा कर देते हैं तो इस माह छिंदवाड़ा जिले में सभी उपभोक्ताओं की फोटो मीटर रीडिंग के माध्यम से बिलिंग की जाएगी, उसमें उनके बिल माइनस में आ जाएंगे। कृषि उपज मंडी एवं गुरैया सब्जी मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में असफल है। प्रबंधन यहां सोशल डिस्टेंसिंग करवा पाने में नाकाम हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिश से मंडियों में काम चल रहा है। मंगलवार को मंडी गेट से एक साथ अनाज से लदी कई गाड़ियों को प्रवेश देने की जानकारी मिलने के बाद मंडी भारसाधक अधिकारी और SDM अतुल सिंह खासा नाराज हुए। एक पल को उन्होंने मंडी के गेट पर तैनात दो कर्मचारियों के लिए मंडी सचिव को सस्पेंशन तक के प्रस्ताव के लिए कह दिया। बाद में उन्होंने दोनों कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए वाहनों को धीरे धीरे एंट्री देने के लिए कहा। आपको बता दें कि हमालों के कई बार मांग के बाद मंडी में हाल ही में ढेर लगाकर नीलामी किया जाना शुरू किया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिले में जन जागरूकता अभियान लॉकडाउन के चलते भी चलाया जा रहा है। जिले में कार्यरत पैरालीगर वॉलंटियर्स के द्वारा कोरोना संक्रमण जैसी महामारी की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ शहर में लेकर ग्रामीण अंचलों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा के प्रयासों से जिले में कार्यरत पैरालीगर वॉलंटियर्स अपने अपने क्षेत्रों में कार्य के दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि का ध्यान रखते हुए वॉलंटियरों को प्राधिकरण के द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्यामल राव द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर तृप्ति सिंह जनिवार, अंकित सोनी, छाया शर्मा के परिजनों को निःशुल्क सुरक्षा किट वितरित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देश के अनुसार मोहखेड़ जनपद पंचायत में कीर्ति विजय गावदे द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ में दीनदयाल रसोई में पहुंचकर 11 क्विंटल आटा प्रदान किया गया। साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ उक्टे के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी और जिले के सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर हमारे मोखेड़ के जनपद अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति विजय गावंडे और मोखेड़ के हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विजय गावंडे जी की ओर से दीनदयाल रसोई में जो भोजन की व्यवस्था की जा रही है, इस भोजन व्यवस्था में 11 क्विंटल आटे का सहयोग किया गया है। भविष्य में जिस तरह बन पड़ेगा, हम कांग्रेस जन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के निर्देशन में सब तरह सहयोग करने को तैयार है। माननीय नकुलनाथ जी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से दीनदयाल रसोई को 11 क्विंटल आटे का वितरण किया जा रहा है और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। ये कौन से ब्लॉक की ओर से आटा दिया गया है? मोखेड़ ब्लॉक की ओर से। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424906 7477-068-455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिले एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष BS भदौरिया के मार्गदर्शन में कोविड-19 कोरोना महामारी से प्रभावित और जिले की सीमा से आने वाले प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए आज सतनूर चेकपोस्ट पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विजय सिंह कावछा, अपर जिला न्यायाधीश शालिनी शर्मा और प्रणय दीप ठाकुर, एसडीओपी सौंसर एसपी सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, लोधीखेड़ा थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया, पैरालीगल वॉलेंटियर श्यामल राव, सुरेंद्र दुफार, नारायण राव राउत एवं कार्यालयीन कर्मचारी संतोष देवदे और मितेंद्र राहंडाले उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में ई नाम के माध्यम से सतपुड़ा सेल्फ रिलायंस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गोनवाड़ी तामिया एफपीओ ई ट्रेड किया गया, जिसमें गेहूं 60 क्विंटल पर रियल टाइम में विभिन्न क्रेता विक्रेताओं ने इनाम पोर्टल पर ट्रेडर्स के लिए आए न्यू फीचर ओटीपी वन डे द्वारा किया गया, जो कि सफल रहा। ट्रेडरों द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम ओटीपी मिला, उसके बाद ट्रेडर ने लॉगिन कर लॉट पर बोली लगाई और मोबाइल के माध्यम से बोली लगाकर उपज की क्वालिटी के अनुसार उच्चतम बोली 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा गया और तौल के साथ भुगतान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव के ग्रामीण अंचलों में पदस्थ एएनएम आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कड़ी धूप में कोविड 19 में होम क्वारंटीन व्यक्तियों का फॉलोअप ले रही हैं। कोविड स्तर पे फीवर सर्वे के साथ ही अपने विभाग के रूटीन कार्य और कोविड की प्रतिदिन रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सभी एएनएम को बीएमओ डॉक्टर आरआरसी और बीईई एसपी ढडोरे द्वारा सतत मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया जाता है, जिससे संपूर्ण कार्य सुचारू व्यवस्थित चल रहा है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जागरूकता रथ के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इस जागरूकता रथ को आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक, डीपीएम शैलेंद्र सोमकुंवर और फ्लोरिसिस्ट सलाहकार डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव सहित विभागीय स्टाफ मौजूद रहा। पांडुर्ना के ग्राम बड़ चिचौली के क्वारंटीन सेंटर में संचालक एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडबेल के निर्देशानुसार जीवन अमृत योजना के अंतर्गत शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय बड़ चिचौली में डॉक्टर अर्चना देशमुख के नेतृत्व में 37 लोगों को त्रिकुट क्वात वितरण किया गया। ग्राम बड़ चिचौली के आसपास में ग्राम राजना, ग्राम हिवरा, ग्राम बोथिया, ग्राम घोगरी साहनी क्वारंटीन सेंटर में भी रुके हुए लोगों को कोरोना की स्क्रीनिंग शासकीय आयुर्वेद औषधालय बड़ चिचौली में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना देशमुख द्वारा की गई और नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण और त्रिकुट क्वात वितरण का कार्य भी शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय बड़ चिचौली आयुष विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।